सो गाइस इट्स बालाजी घाट, यही है, वहां पर पोस्टर भी है यहाँ पर। देखो आज हम लोग जाने वाले इधर से लगभग वाराणसी की तरफ, एंड पीछे हमारा फ्रेंड्स लोग हैं, एंड वो लोग करा रहे हैं फोटो कॉपी आधार कार्ड का, तो क्योंकि अभी जा रहे हो सको तो जो मांगूंगे, एंड हम लोग फुल प्लानिंग के साथ जा रहे हैं 1 जनवरी का शुभ अवसर पर। तो डूढ़ा भाई आगे देखो क्या होता है, हम लोग अभी रास्ते में ही, मतलब अभी निकले ही हैं, एंड अभी सारा दोस्त लोग वीडियो करा रहा है। हम लोग 4 बंदे हैं जो जा रहे हैं, तो चलो आगे। तो गाइस हम लोग स्टेशन पर तो आ चुके हैं, अब देखो कब तक यहाँ से ट्रेन है और कब यहाँ से पहुँचते हैं। तो अभी हम लोग स्टेशन पे ही हैं, एंड देखो क्या होता है, मेरे फ्रेंड लोग यार सब। सो भाई देखो सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है, एंड अभी ट्रेन बहुत ज़्यादा शांत है देखो, और हम लोग के हाथ में भी यही है। देखो यार 4-5 6 घंटा का लगभग सफ़र है, एंड हम लोग देखो अभी खा रहे दोनों, और देखो कब तक पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद फुल मस्ती करेंगे। बोलिए जो सुबह से यार ट्रेन बहुत ज़्यादा रुक रहा है यार, क्या अब तक क्यों है, एंड देखो आज का सफ़र कैसा रहता है, एंड आज का ही सफ़र में आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि आज 1 जनवरी भी आ जाएगा आज रात को, एंड आज रात को वाराणसी में ही रुकना है, तो चलो आगे देखते हैं। सो गाइस हम लोग इधर आ चुके हैं, और गाइस पीछे जो दिख रहा है ना, पीछे ठेका होगा अभी यहाँ पर भी है गाइस। पिछले बार नेपाल गए थे लॉन्ग राइड पर, मतलब वहाँ पर भी था, एंड यहाँ पर भी है, और अब यहाँ पर पहुँचे गाइस। पहले यहाँ पे हम लोग रूम देखते हैं, रूम मिल जाता है उसके बाद फिर बात करते हैं अभी। सो गाइस हम लोग इधर बनारस के तरफ, देखो अभी कहाँ पर है, देखो अभी टाइम कितना हुआ है अभी, क्या बात, मतलब 17:28 हुआ है अभी, एंड गाइस इधर का चेक करो स्टेशन। गाइस देखो अभी बनारस पहुँची नहीं है, अभी एक ट्रेन था अभी, अब देखो कितना दिन में पहुँचते हैं बनारस। देखो गाइस वाराणसी, एंड जस्ट पीछे हम लोग, एंड मेरा पीछे गया, एंड वाराणसी के भी अंदर चलेंगे, तो भाई लोग ये देखो अंदर का सीन, एंड उधर का, इधर काफ़ी कुछ तक बेहतर ही है। सो गाइस हम लोग वाराणसी पहुंच चुके हैं, एंड उधर का सीन, अरे ऐसी देखो वाराणसी यहीं पर है। एंड गाइस इधर सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ हम लोग का रूम खोजने में, अभी तक रूम नहीं मिला, कहाँ सोएंगे कोई पता नहीं, जल्दी जल्दी में बस अभी खाना खा रहे हैं, और अब देखो यार आगे बढ़ते हैं। सो गाइस हम लोग का यहाँ पे भी खाना चल रहा है। सो गाइस देखो इधर हो गया जो ग्राम से मिलता है सब चखना, और इधर हो गया दारू का दुकान, ठेका हो गया गाइस। सो गाइस आप लोग देख सकते हो अभी बस 10 सेकंड बाकी है, अरे जलाओ ना, जलाने वाला किधर गया, जलाने वाला, इधर देख सकते हो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर यार, एक पीछे का पता नहीं कहाँ गया, जल्दी लाओ लाओ लाइटर ला, लाउड सो गाइस हम बार बोला हम ना हम था बार बाहर चल रे सब बैलून पर फोड़ी है। सो गाइस हम लोग भी बैलून फोड़ने वाले हैं, एंड हमारी पानी हो रही है रे यार ना रे ओ बड़ा बड़ा ओ माय गॉड, सो गाइस हो चुका है अभी 12 बज चुके हैं, एंड गाइस इसका लाइट देखो, आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हम सब की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर, एंड गाइस देख सकते हो पार्टी पुलिस यहाँ पे भी देख सकते गाइस, हैप्पी न्यू ईयर के साथ हैप्पी एंडिंग होगा इसका भी। तो गाइस आप लोग यार अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो यार, अभी आगे बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो शुरुआत है, एंड गाइस देखो अब अभी क्या बोले यार, केक का कटिंग वटिंग होगा, और फिर अब गाइस फिर देखो आगे चलते हैं। गाइस हम लोग का सब फोटो शूट हो रहा है, एंड फिर देखो अभी सोने का प्लान होगा, रूम तो सब बुक हो चुका है, और अभी गाइस हम लोग बनारस में फर्स्ट बार रूम लेके स्पेशल बना रहे गाइस, एक नंबर दम मजा आ गया आज तो। तो गाइस केक को खाने ज्यादा यूज हो रहा है सेल्फी लेने में, देख रहे हो ना सब खाने ज्यादा सब सेल्फी ले रहा है, और अभी देखो इधर हम गाइस सामने, एंड गाइस रूम चेक करो, रूम कैसा है यार आप लोग बताओ,
ये तो खिड़की पूरा उधर पूरा जितना पर्दा है सब पूरा खिड़की है। एंड गाइस ये रहा बेडरूम, तो रूट चलो एक लिए बस इतने। हम लोग को इधर से फुर्सत मिलता है तो हम लोग फिर निकलते हैं इधर से घूमने उमने के लिए। तो अभी के लिए तो इतना ही, आगे देखो मेरे भाई सब देख रहे हो फुल मस्ती है ब्रो। सो गाइस अभी हम लोग सुबह सुबह एंड सभी अभी सब सो के उठा हपवाल है। एंड अभी देखो इधर बाहर का आपको सीन दिखाते हैं। सो सुबह का भी लगभग 10 बजे एंड गाइस हम लोग को मूव हो रहे हैं हम लोग अभी यहाँ। एंड ये हो गया बाहर का सीन यहाँ से, और इधर हो गया हम लोग का बाथरूम, इधर हो गया इधर मूड हो रहा है, इधर हो गया जो हम अभी मूड हो रहे हैं। तो देखो इधर से मुँह धो के फिर इधर से फ्रेश होकर निकलते हैं। बस हम लोग का इधर पूरा पैकिंग हो चुका है, हम भी लोग फुल तैयार। एंड अब हम लोग इधर से निकलने वाले हैं, सब अपना मोबाइल चार्ज वार्ज कर लिया। एंड अब हम लोग का रात इधर ही गुजरा था, बहुत हसीन रात था इसके साथ। गाइस अब हम लोग चल रहे हैं, हम जहाँ रुके थे उसका कार्ड यही है, आप भी लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। सो गाइस यहाँ कुछ हद तक तो रूम से ये देखते हो तो यहाँ 11 नंबर का है। एंड इधर का रूम ऐसे ही रहेगा। तो गाइस अभी के लिए बस इतना ही, एंड हम लोग फुल तैयार वार होके और अभी हम लोग इधर से निकलने वाले हैं। जय गाइस हम लोग इधर आए थे मंदिर की तरफ और आपको हम इसका बाहर का भी लोग दिखाएंगे, ये चेक करो गाइस। एंड हम लोग अभी इधर आए हैं एंड काशी में नहीं वाराणसी में, तो चलो इधर देख लेते अच्छा था। सो गाइस जो बाहर का जो लुक है यही है। एंड हम लोग सोचे चलो यहाँ पर थोड़ा सा घूम लेते हैं। एंड अब हम लोग इधर से निकलते हैं, आपको और भी बहुत कुछ दिखाना बाकी है अभी। देखो गाइस पहले के ज़माने में ऐसा ही हेडलाइन मतलब रास्ते पे हुआ करता था एंड घर ऐसा होता था यार। देखो ये हो गया पहले के ज़माने का, एंड ये भी काफ़ी बेहतर है यार, और ये घर भी काफ़ी बेहतर है, बड़ा भी बहुत है। तो और देख सकते हो अगल बगल का सीन गाइस, ये भी सब गाड़ी क्या कोई बराती में यूज कर। देखो जो है जो यही है। एंड सो गाइस यहाँ पे सब पूरा है एंड गाइस इधर हमारा दोस्त लोग। सो गाइस आप लोग बता रहे कैसा है। और देखो हम लोग अभी खाने का इंतजार कर रहे हैं, जहाँ मिलता है वहाँ खाते हैं, उसके बाद फिर और घूमते हैं, पूरा घूमेंगे आज दिन भर। फोटो खींचना हम लोग को कुछ तो निशाने के रूप में चाहिए, इसलिए हम लोग ये लिए। एंड यहाँ पर और भी है जो पसंद है वो ले सकते हो। तो आगे देखो एंड पीछे का लुक गाइस। सो गाइस आप लोग पीछे का सीन देख सकते हो। एंड गाइस तो भाई भीड़ मिला जुला के नॉर्मल है। सो गाइस इधर का सीन देख सकते हो। ऑल राइट आगे एंड इधर चेक करो, एंड इधर चेक करो यार सर हम लोग हैं फाइनली। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, और आगे देख सकते हो यार आगे कुछ अलग ही सीन है यार, आगे का आपको दिखाते हैं ब्रो, आगे का कुछ अलग ही सीन है ब्रो। बोल रहे ना आप लोग को आना ना तो अंदीना ही आओ यार, खास दिन पे एकदम मत आओ, बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा। एंड अभी आगे देखो यार। सो गाइस इधर जो इतना लंबा आपको लाइन दिख रहा होगा ना पीछे से, ये मतलब 1 किलोमीटर के आसपास लाइन है, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ है ना गाइस, असंभव यार हमें देना। एंड गाइस हम लोग अभी इधर से निकल रहे हैं अब घाट की तरफ, घाट की तरफ कोशिश करेंगे निकलने का। तो चलो आगे ही देखते भाई, अंधीना यार ऐसे कोई खास दिन पे मत आओ, खास दिन पे आओगे तब तो यार लग जाएगी बहुत वाट लग जाएगी। तो अब देखो आगे सुबह से देखो तो बहुत सारे प्रकार का। एंड गाइस हम लोग खा के टेस्ट करते हैं सुबह हवा का प्रसाद।
गाइस आप लोग आगे का सीन देखो यार। ये क्या था ये पता नहीं है। शायद इधर का कुछ विधि हो रहा है वही हो रहा है। गाइस इधर का आप लोग मकान देख रहे हो इधर का सीन। हम लोग कहाँ फंस गए कुछ पता ही नहीं है। हम लोग जा रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। कितनी दूर हैं हम लोग। सुबह से भीड़ बहुत ज्यादा है यार। चेक लगवा देंगे तो ज्यादा लोग लग जाएंगे। दूरी वाले रास्ते पे लगा देंगे तो गाइस बहुत ज्यादा लंबा भीड़ बहुत गंदा हटाते हुए अपन लोग आए अभी तक यहाँ तक पहुँचे। लगभग 3-4 घंटा का एक लाइन है ब्रो। हम लोग का दिमाग खराब हो गया तो हम लोग हम पूरा फाड़ते हुए स्पीड में हम आगे बढ़े तो अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। लगभग 1 घंटा से 2 घंटा का हम लोग भीड़ खाली करते हुए अभी तक आए हैं। लगभग देख सकते हो एंड गाइस सब देखो सुबह समय लग रहा था ठंडा और हम लोग हल्का टोपी लगा लिया एंड अब देखने का था सही है मिला जुला का आसपास। एंड गाइस चीज को यार आज कोहरा बहुत है यार। गाइस हम लोग फाइनली बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ पर फाइनली हम लोग ये चेक करो गाइस हम लोग घाट पे आ चुके हैं। इधर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ पर आई थिंक आ चुके हम लोग इधर एंड अब देखो देखो ये सब नाव पे टूरिस्ट लोग इधर उधर घूम रहे हैं एंड हम लोग भी देखते हैं थोड़ा बहुत इधर उसके बाद। एंड पीछे देखो यार आरती उरती हमको देखना था यार आरती उरती तो अभी देख नहीं पाएंगे वही मिस कर रहे हैं। और देखो गाइस आप लोग देख सकते हो इधर का सीन एंड गाइस इधर चुक रहा है कितना ज़्यादा मतलब बहुत विशाल लग रहा है एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है गाइस उधर का सीन। और इधर से तो मैं कहीं एक जस्ट ऊपर एकदम पूरा सीधे एंड गाइस सीरियसली कुछ तक बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है एंड हम कैसे लग रहे बताओ। ओके तो ब्रो पीछे का सीन देखो और इधर देखो मेरा 3 फ्रेंड्स लोग एंड हम लोग देखो आज कितना घूमते हैं उधर देख सकते हो तो यही है भाई बनारस में यही तो है घूमने के लिए देख सकते हो तो उधर भी जो भी चीज़ें सब नाव से उधर ही है। एंड हम सोच रहे हैं इसके ऊपर भी जाने के लिए देख लो इसके ऊपर कुछ लोग आपको नज़र आ रहे होंगे शायद एंड ऐसे सब लोग घूम रहे थे हम उस तरफ भी जाने का कोशिश करेंगे तो अब आगे देखो क्या करते हैं। सो गाइस इट्स बालाजी घाट यही है वहाँ पर पोस्टर भी है यहाँ पर हाँ। तो गाइस हम लोग बालाजी घाट से होते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा दूर आज फुल दिन भर मतलब आज कल परसों जितना दिन हो सके उतना दिन घूमेंगे यार अभी घूमने का समय है यार। तो देखो अब आगे कहाँ जाते हैं नेक्स्ट प्लान हम लोग का कहाँ रहता है एंड अभी घूमते यार अभी आगे पूरा घूमेंगे। गाइस इट्स सो ब्यूटीफुल प्लेस ये चेक करो यहाँ से हम सीरियसली किनारे पे आए हुए एकदम एंड इधर का सीन देखो यार काफ़ी बेहतर आ रहा है और इधर से रिकॉर्डिंग करने में हमको अच्छा लग रहा है। देखो पीछे पूरा कोहरा है एकदम से
और गाइस बेसिकली यहाँ बहुत सुंदर प्लेस है बोले तो। गाइस देखो जो बेसिकली यहाँ पर है ना एकदम पुराना जमाना का घर है यार। देखो बेसिकली जितना भी इधर का घर है ना पुराना जमाना का, मतलब पूरा फुल है और काफ़ी बेहतर भी है इधर का एक्सपीरियंस। हम लोग जरूर बोलेंगे आप लोग भी यहाँ, और देखो यार काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इधर का प्लेस। एंड इधर छोड़ यार, उधर देखो पीछे का, अरे पीछे का पूरा प्लेस ही बेहतर है। आप लोग आओ और घूम सकते हो इधर। एंड गाइस इधर चेक करो, तो गाइस एक नंबर का सीन है। घाट जैसे एनआईटी है ना वैसे ही इधर का भी सीन है, पर इधर का सीन कुछ अलग सीन है। एनआईटी से हमें ज़्यादा बेहतर लग रहा है इधर का। तो देखो सो यार सब लोग इधर का सीन देखो यार, इधर है ना आधा आधा मट्टी मतलब धस चुका है। एंड उधर देखो घाट, ये जो है एक नंबर पुराना जमाना का फील आता है इधर देखने में, घूमने में मज़ा आता है। एनआईटी के सीन में ऐसा नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए जो इतना इधर का सीन, मतलब इधर का हटके उधर से कुछ अलग है, इसीलिए दिखा रहे हैं। ये देखो आप लोग इधर का देख सकते हो यार, इसका अंदर का सीन को दिखाएं ना। उधर देखो इसका अंदर जो है ना ऐसा सीन आता है, वाव इट्स अमेजिंग गाइस। एंड इधर देखो पूजा का भी होता है, ऐसा बात नहीं है, तो कुछ तक सही है यार। आप लोग आओ घूमने, हम तो बोलेंगे घूमने के लिए आओ, काफ़ी बेहतर जगह है। गाइस इधर क्या हमें नहीं पता। सो गाइस लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं एंड ऊपर का सीन देखते हैं कैसा है। एंड गाइस उधर देखो, और ये एंड आगे लिफ्ट है। और राइट इधर बनारस में लिफ्ट हमें देखने को मिल चुका है मेरे भाई लोग। एंड चलो उधर से काफ़ी लोग जा रहे हैं एंड इधर से भी हमारे जैसे लोग काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, तो चलो हम लोग लिफ्ट में आ चुका है। इसका बैकग्राउंड का सीन एक्सीलेटर के साथ वाला रास्ता डूड, अभी तुम लोग आपको हम आगे का भी सीन दिखाते हैं, आगे का भी सीन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। एंड उफ सेट इतना मस्त सीन से छुट गया। एंड गाइस इधर का भी सीन काफ़ी बेहतर ही है, इधर भी देख सकते हो ऐसा ऐसा पूरा ही जगह है ब्रो, ऐसा भरा हुआ है एकदम इधर का सीन से। ओके गाइस सीरियसली इधर का सीन देख सकते हो यार, एकदम पुराना मंदिर की तरह एकदम एक नंबर लग रहा है इधर का सीन। एंड गाइस बैक भी देख सकते हो यार, बहुत मस्त है यार, ऑसम। यही तो देखने के लिए उतना दूर से इतना खर्च हुआ था यार, कुछ तो करेंगे ना। चलो गाइस हम लोग भी आगे मिलते हैं आप लोगों से। कुछ है तो नहीं तो गाइस सीरियसली आप लोग। एंड गाइस हम लोग अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ ऐसा पता नहीं है ब्रो, बस ऐसे हम लोग चल रहे हैं डूड। एंड ये में काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है कुछ तक, और ये टीका भी। तो देखो अभी इधर का सीन एक नंबर है गाइस। गाइस ये चेक करो यार, यहाँ से बहुत नीचे आप लोग को कम दिख रहा है यार, आग से बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड इधर का जो सीन है रात का सीन हमको लगता है एक नंबर आता होगा, रात में मज़ा आता हुआ। एंड सीरियसली आप लोग पीछे का सीन देखो गाइस। एंड गाइस हम लोग भी यहाँ खड़ा है एंड उधर से देखो बहुत ज़्यादा नीचा है। एंड वहाँ पर देखो गाइस वहाँ क्या है ब्रो, उस तरफ पूरा गंदा एकदम पूरा भीड़ है गाइस, उस तरफ खाली लगता है कीड़ा मकोड़ा जैसा एकदम पूरा भीड़ है गाइस। हम लोग इधर बैठ चुके हैं एंड गाइस ये देखो इसे अभी पहनना पड़ेगा क्योंकि सेफ्टी जरूरी है। एंड उस तरफ भी जा रहे हैं एंड इधर आए तो उस तरफ हम जाएंगे पहले से ही सोचे थे, तो अब गाइस इधर से हम लोग निकलते हैं देखते हैं फिर। सो गाइस हम लोग इधर आ चुके हैं थे पे एंड इट्स माय फ्रेंड ब्रो बाइक, चार बंदे हैं इस पे और दो चलाने वाले। एंड अब देखो एकदम बगल से गुजरा, चलो। सो गाइस आप लोग देख सकते हो यार अभी बनारस का सीन, बनारस के हम इस तरफ है फुल रेगिस्तान यार,
पूरा रेगिस्तान जैसा एकदम पूरा बालू ही बालू। एंड हम लोग अभी जस्ट एंट्री किए हैं, अभी इधर हम लोग पूरा घूमेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उस तरफ देखो गाइस, उस तरफ जो है ना पूरा कोहरा है गाइस, अभी इतना ठंड में, अभी जो है ना फुल्ली अभी पूरा ठंड का मौसम है गाइस। तो अभी हम लोग इधर पूरा घूमते हैं एंड फिर देखते हैं कैसा सीन रहता है। सो गाइस इधर देख सकते हो पीछे का सीन, एंड इधर देखो यार पतंग गिर रहा सीधे ऐसे ही पानी में। सो गाइस ये देखो पानी में गिरी है पतंग। ओ भाई देख रहे हो कैमरा में कैप्चर क्या। और उधर का सीन देखो गाइस एक नंबर, उधर रात में देखने में मजा आएगा यार, सीरियसली कसम से बहुत मजा आएगा। पर क्या करें देखो, एंड इधर हो गया यार पतंग ऐसे ही चल रहा है पानी में उड़ रहा है। एंड गाइस इधर हम लोग गाइस, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं एंड इधर ऊँट भी है। अब रेगिस्तान ऐसा फीलिंग आ गया यार, तो ऊँट नहीं रहेगा तो फिर काम चलेगा क्या। तो इधर ऊँट भी है और इधर चलाने के लिए भी एक नंबर पूरा है गाइस। आप लोग देखो तो सही, पूरा रेगिस्तान ही जैसा है एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग गाइस। एंड गाइस तो 200 रुपया इधर का ऊँट का सवारी करने का, ऊँट का सवारी करने का सीरियसली 200 रुपया अभी तो रहन देते थोड़ा ना बजट में आके। सो गाइस यहाँ पर घोड़सवारी भी होता है एंड ऊँट भी, दोनों यार। हम अभी देख रहे थे घोड़सवारी एंड देखो यार कितना देर हम लोग रहते हैं, सिर्फ एक नंबर अमेजिंग सा जगह है एकदम। बहुत ज़्यादा ठंड का सीजन है, घर का बच के रहो आप भी लोग बस। गाइस इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, पूरा राजस्थान का सीन है डूड। एंड हम लोग को इधर फुल मज़ा आ रहा है एंड इधर दोस्तों को भी चाय पी रहा है और फिर देखो यार इधर से निकलेंगे। एंड अब देखो नेक्स्ट डे का प्लान हम लोग कहाँ करते हैं, आज तो बहुत ज़्यादा घूम लिए इधर का, उस तरफ का सीन देख सकते हो। एंड इधर का सीन यार बहुत ज़्यादा प्यारा सीन है गाइस इधर का, सीरियसली पूरा भीड़ है। एंड गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। सो गाइस हम लोग का हो चुका है घुमा हुआ, अभी अच्छी खासी देरी घूम लिए और अब हम लोग इधर से जा रहे हैं। इधर पूरा रेगिस्तान का सीन था गाइस एंड इधर असली मजा तो इधर है यार। हम भी सोच रहे थे नहाने के लिए पर क्या करें, नहीं होता था अभी नहीं ना। तो गाइस देखो अभी आज हम अभी उधर का जगह है, पूरा कोहरा है और हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए दूर। नहा के अभी इतना ज्यादा ठंडा में दोनों नहाए गाइस, बाकी दो बंदा नहीं नहाया, नहाने में इतना मजा आया बस एक फोटो ले लेना। सो आज देखो तो इतने सारे लोग पूरा ठंडे में नहाए गाइस, अभी पूरा मूड फ्रेश है एकदम। एंड अब हम लोग इधर से निकलते हो, अब जा रहे गाइस उस तरफ। सो गाइस हम लोग फुल नहा हुआ के एकदम मूड फ्रेश हो गया यार नहा हुआ के। और राइट इधर हम और ये सही में बहुत प्यार लग रहा है। एंड गाइस चेक करो यार सही में प्राणस का मजा आ गया इस वक्त। एंड ये तो यार इट्स माय फ्रेंड्स एंड इधर और भी दोस्त हो गए। तो गाइस बस अब हम लोग देखो अगला प्लान कहाँ करते हैं यार, नहा के जैसे मजा आ गया अभी आज ठंड के मौसम में एकदम। देखो उधर आरती उर्ती भी होने वाला है तो हम लोग उधर भी चलेंगे और उधर का भी फुल रिकॉर्डिंग करेंगे। गाइस एक नंबर है अभी सीन। सो गाइस ये देखो तो कैसा है आप लोग बताओ। और गाइस इधर चेक करो इधर हम लोग एंड फोटो भी निकलवाए थे इधर तो
चारों का फोटो हम लोग का निकल चुका है कि याद में रहेगा। एंड ये चेक करो यार बनारस का, के लिए हम लोग कभी यहाँ पे खड़े हुए हैं। आरती होने वाला है अभी। बैठो भाई। ऐसे कोई भीड़ चेक करो यार आप लोग, पूरा भीड़ है यार। गाइस हम लोग अभी निकल रहे हैं और गाइस इतना भीड़ में हम लोग फुल रिकॉर्डिंग किए, पूरा रिकॉर्डिंग है इसका, पूरा तरह से हालत खराब। सुबह से खाना भी नहीं खाया अभी तक, रात हो चुका है। अब देखो यार क्या करते, पूरा हालत खराब हो गया यार मेरा तो आज, पूरा खड़े खड़े पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी किए एकदम। सो गाइस अभी देखो लगभग रात का 11:30 के आसपास हुआ। एंड बीच में पता यार मेरा मूड ऑफ बहुत गंदा मूड ऑफ हुआ था, बट फिर अपने आप को कन्विंस किए, समझाए, उसके बाद फिर सही हो गया। एंड अभी देखो वाराणसी के पास हम लोग स्टेशन के पास आके रुके हुए हैं। एंड बहुत गंदा मूड ऑफ हुआ था और फिर समझा लिए, चलो हटाओ कोई बात नहीं। एंड फिर अब देखो अभी इधर से घर निकलने का तैयारी है अपन लोग का। और फिर अब सोचे थे इधर से हम और भी कहूँ नेक्स्ट डे का, अगला दिन का हम और भी कहूँ घूमने का सोचे थे, पर फिर पूरा कैंसिल कर लिए। एंड अब हम लोग घर जा रहे हैं इधर से, तो मिला जुला के सही नहीं रहा यार, इस बार का सही नहीं रहा। घूम तो लिए बराबर, बहुत जगह घूम लिए, पर उतना अच्छा नहीं लगा दिल से। मैं अब देखो अब हम लोग अब आगे कुछ नहीं है देखने का, बस ऐसे ही होगा। अब इधर से देखो हम लोग घर जाएंगे यहाँ से, और कुछ होता तो बताते हैं ब्रो। बस सभी के लिए इतना यार। तो गाइस हम लोग का लगभग ट्रेन था 1 बजे के आसपास था, एक तो हम लोग यहाँ 10-11 बजे के आसपास आ गए थे, तो हम सोचे चलो कुछ देर इंतजार कर ले, 1 बजे ट्रेन होता है। पर फिर पता चला गाइस 1 बजे कोई ट्रेन है ही नहीं, सुबह 6:30 में ट्रेन है। अब रात भर गाइस ऐसे स्टेशन पे यार रुकना भाई कैसे हो पाएगा यार बताओ। अब देखो क्या हो पाता है क्या नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड भरा है पैर में भी यार, अब एडजस्ट करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो गाइस यहां पर 12 बार पान पाइप हो रहा है, ये ना बोलवे देखो मैं 301 का हट लग। सो गाइस यहां पर लोग देख रहे यार कौन सा गाड़ी है ब्रो, इस डुकाटी ब्रो। एंड गाइस हमें नहीं पता ये डुकाटी रियल है या फिर फेक। गाइस देख सकते हो ना कितना ज्यादा मॉडिफाई एंड ऑसम है गाइस, देख सकते हो ना। सो गाइस व्हाट इज अप, तो गाइस हम लोग और वहाँ वेट नहीं कर सकते थे, बहुत ज़्यादा ठंड है रात में, और हम लोग को कोई प्रॉपर जगह भी चाहिए रात गुजारने का, क्योंकि रात में हम लोग को रहना है। तो हम लोग कोई प्रॉपर जगह ढूंढते हैं, उसके बाद फिर देखो क्या होता है रात में यार। हमें तो हम नहीं पता रात में कैसा बीतेगा रात मेरा, पर कैसा बीते बेहतर नहीं बिताने की कोशिश करेंगे। तो चलो सो गाइस फाइनली हम लोग को ठिकाना मिला एक ऐसी जगह पे, जहाँ देखो एक मतलब वहाँ का लगभग बेंच है एंड उसी पे हम लोग इधर बैठे हुए हैं। एंड हम मेरा फ्रेंड और एक और मेरा फ्रेंड नीचे, और एक मेरा फ्रेंड जो इधर अभी मोबाइल चला रहा है।
तो डूड देखो उधर से तो बढ़िया यार, इतना ज़्यादा खुला प्लेस था ना, और इतना ज़्यादा मतलब कि हद से ज़्यादा था गाइस, एक सेकेंड बस, हाँ मतलब उधर का इतना ज़्यादा खुला हवा और बहुत ज़्यादा ठंड था, तो उधर नहीं रहता था, रात में रह ही नहीं सकते, असंभव था। तो हम लोग फाइनली यहाँ पर चूज किए एंड यहीं पर रह रहे हैं। तो अंदर अंदर भी रह सकते पर अंदर का पैसा लगेगा। अब क्यों झूठ मूठ के लगाया, चार बंदे हैं, एक बंदे का 150 लगेगा, तो उससे वह बाहर ही रह लेते हैं रात में। तो देखो यार फाइनली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है घूमने में, घूमने के बाद अब देखो कैसे कैसे करके घर तक पहुँच जाए बस। वहाँ से उठ के यार यहाँ पर आने पर पूरा पूरा मार्बल बोले तो एक तरफ से टाइल्स से, और गाइस इधर बहुत ज़्यादा ठंड है यार टाइल्स से यार, उसमें तुम कितना देर बैठो वो गर्म के मतलब ठंडा के ठंडा ही रहेगा। तो आई थिंक डूड बहुत बुरा स्थिति है, बहुत बुरा स्थिति अभी फिर से, एंड क्या कर सकते हैं, ऐसा रहना पड़ेगा अभी, मजबूरी है कुछ हद तक, समझना ही पड़ेगा। अभी तक बस रात के 3 बजे हैं, 3 बजे तक मेरी हालत ख़राब है। अब देखो 6:30 ट्रेन है, तो भाई देखो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है अभी। आप लोग ऐसा मत करें यार, पहले ट्रेन वेन देख लेना उसके बाद चलना यार, कभी भी ऑनलाइन हम नहीं देखे इसी का गलती है, एंड कोई बात नहीं। चलो भाई हम लोग बिना टिकट के ट्रैवलिंग कर रहे थे, मतलब जाते समय का टिकट कराए थे, आते समय का टिकट नहीं कराए थे, एंड यहाँ पे हम लोग पटना स्टेशन के पास, हम नहीं मेरा जो 3 दोस्त था वो फंस गया, हम बस निकल गए, हम निकल गए यार, अपन लोग निकल जाते हैं ये सब से, तो हम इधर तो निकल गए, बाकी 3 लोग यार जो थे यार सीधे फंस गए, एंड वो 3 लोग हमें फ़ोन कर रहे भाई पैसा लेने के लिए। अब देखो क्या होता है यार उन 3 लोग का सीन, बड़ा बोले थे चला के अभी निकल जाता ना चलाकपंती यार, यहाँ चला के दिखाना होता है, यहाँ निकलना पड़ता है, पूरा ट्रेन पे नहीं आया टीटी, यहाँ पर आया तो मैं खोजने लगा, फिर अब क्या कर सकते इधर से, फिर अब देखो वो 3 लोग उनसे पूछते कितना का फाइन लगा कितना उसका नहीं लगा यार। तो गाइस अंदर वो 3 लोग फंस चुके हैं, 3 में से किसी के पास पैसा है ही नहीं, 3 में से किसी के पास पैसा नहीं है, अब अंदर हमें जाना पड़ेगा, मेरा भी कहीं फाइन ना कट जाए यार। अब देखो हम लोग जा तो रहे हैं यार ईमानदारी से, अब देखो कहीं मेरा ना कट जाए, 3 यार 3 में से किसी के पास पैसा नहीं है यार, जाना ही पड़ेगा हमें यार। अब देखो वो कॉल कर रहा है, हम आपको बता दें आगे। तो गाइस हम अभी बोल रहे हैं सीन था उस समय का, तो उसमें जैसे ही हम अंदर गए ना कैमरा खोले, मैं मोबाइल छीन लिया और फिर बोला तुमको ये करने का, हम तुमको मारेंगे पीटेंगे, तुम वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे ऑन कर सकते हो, ऐसे वैसे बोला। पर हम बोले कि बेसिकली मेरा यूट्यूब पे चैनल है, हम इधर उधर ट्रैवलिंग करते हैं, उसका वीडियो से बनाते हैं, ऐसा तो कुछ बोले, तो वो बात को समझा और गाइस 4 आदमी में से 1 आदमी का बस फाइन काटा और फिर छोड़ दिया, मतलब 1 आदमी काट के 200 रुपया 250 रुपये के आसपास काटा और फिर छोड़ दिया। तो बोल सकते यार सरकारी गवर्नमेंट का जो भी मतलब काम करता है ना उसे इज्जत से बात करो यार, वो मान जाएगा यार। तो बस और आगे देखो यार आगे बहुत सैड है, हमको जितना बुरा लगा ना आज तक अपने लाइफ में कभी दोस्ती के बीच में उतना बुरा नहीं लगा था, एंड हमें नहीं पता यार ऐसा भी होता है कभी दोस्ती में, हटाओ जो भी हुआ सही हुआ कोई बात नहीं होता है। तो गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं घर, एंड जहाँ तक बोले यार कुछ हद तक मिला जुला के सही था, बट जो लास्ट में बोले ना हल्का सा जो कचरा हुआ ना वो सही में मेरा दिल टूट गया यार, हमें नहीं लगा था यार कोई दोस्त उस हद तक भी जा सकता है, एंड मेरे साथ ये फर्स्ट बार नहीं हो रहा यार, मेरे साथ पहले ही बहुत बार हो चुका है, मेरे लिए ये आम बात है, एंड हमें नहीं लगा कि आज के बाद जिन लोग से हम इतने दिन से वीडियो बना रहे हैं एंड उनके साथ हम आज के बाद कभी ज़िंदगी में वीडियो बना पाएंगे, तो उन लोग के साथ वही मेरा लास्ट वीडियो होगा 100% में पता है, उन एक बंदे के साथ, अब वो एक बंदा का उतना डीपली भी नहीं जाएंगे, रहने देते हैं, पर गाइस कभी ज़िंदगी में ये बात नहीं बताएंगे, और पहले मेरे साथ कसम से ऐसा बहुत बार ऐसा हो चुका है, ऐसे मेरे साथ ये फर्स्ट बार नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है मेरे साथ, पर इन लोग पे थोड़ा ज़्यादा विश्वास कर लिए थे, तो शायद उसी कारण इन लोग भी हो गया, और ऐसा नहीं कि सारे बंदे ऐसे थे, आपकी ज़िंदगी में एक आध दोस्त ऐसे होते हैं कि हाँ हमेशा तक साथ देंगे, पर आप सोचेंगे कि हर एक दोस्त साथ दे हमेशा तक, ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होता है। तो आई थिंक यही बोलेंगे दोस्त आपका कितना भी खास हो विश्वास मत करना, अगर आपको गहरा दोस्ती नहीं हो तो आई थिंक बस अब हम और नहीं चाहते यार इस कंटेंट पे और बात करना बहस करना, एंड
हम यही बोलेंगे आप अपने हैसियत के अनुसार दोस्त के साथ घूमें। देखो यार मेरा जो है ना, हम अभी कोई काम वाम नहीं करता। जो मेरा तीन दोस्त है ना, जो चार दोस्त हैं हम लोग, तो तीन को तीन दोस्त काम करता है, मतलब काम करता है, इधर उधर कुछ कमा लेता है, मतलब हम नहीं कमा पाते। तो हमें पैसा का अहमियत पता है यार क्या होता है। अब कमाता उड़ाता है भाई, ये झूठ है यार कि कमाने वाले को पता चलता है पैसा का अहमियत क्या होता है। नहीं यार, पैसे की अहमियत उससे पूछो जो नहीं कमाता, बाप के दम पर अभी तक है, और जिसका बाप खुद भी गरीब है यार, उससे पूछो यार, वो असली मतलब जानता है। कमाने वाले के मेरे एक नियम बहुत है, देखे कमाने वाले का कोई इतना कुछ खास नहीं है, कमाओ उड़ाओ। पर कोई नहीं, अभी तो मेरा इधर आज था 1 जनवरी था, तो अभी कल परसों सुबह मेरा 10th चालू, और फिर अब 10th का भी हमें तैयारी करना पड़ेगा, तो वीडियो हल्का सा लंबा हो जाएगा यार लास्ट में। तो फिर देखो 10th का हल्का तैयारी करना पड़ेगा, तो वही हल्का फुल्का लगेगा, और इस साल ब्लॉग्स आने का कम ही चांस है, क्योंकि इस साल हमको 10th का भी करना पड़ेगा। एंड आई होप आप लोग को मिला जुला के तो वीडियो सही ही बना यार, लास्ट में जो हुआ गड़बड़ आपको इधर का नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, आपको सिर्फ उधर घूमने का ट्रैवलिंग का देखना है। तो बस यार अंदर से मेरा दिल टूट गया इस बार सही में, एंड उन लोग के साथ मैं सही में यार ये लास्ट वीडियो था। अब शायद कितना भी कोई कुछ करें नहीं जाने वाले हैं, हम तो नहीं जाने वाले घूमने के लिए से किसी के भी साथ। तो आई होप गाइस अब हम और आगे कुछ बोल भी नहीं सकते, अब बस इतना ही, 3 मिनट हो चुका सिर्फ ये कंटेंट पे बोले हुए। तो आई होप आप लोग को बढ़िया लगा वीडियो, एंड चलो मिलते हैं इसी की तरह यार, आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखो, और हम लोग आते रहेंगे जब भी मौका मिले तो। एंड मेरा हम जिंदगी में फिर से थोड़ा सा, जिंदगी में आज तक जो भी सोचे ना हर एक चीज़ अचीव किए हैं, एंड ये फर्स्ट बार है हम यूट्यूबर बनना सोचे एक बहुत बड़े लेवल पे, एंड अब ये देखो हम कर पाते या नहीं, पर हमारे तरफ से फुल फुल और फुल मतलब पावर में हम बनाएंगे वीडियो, एंड फुल बहुत ज़्यादा बेहतर मेहनत भी करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि बैठे बैठे कोई भी फेमस रहता, हम बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे जितना हो सके, तो हम तो जितना हो सके उतना मेहनत करेंगे। एंड अभी के लिए बस इतना ही भाई, बस बस बस, अब इससे आगे कुछ नहीं।